फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जानकारी यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। समय समय पर आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारियाँ सही समय पर मिलती रहें, इसके लिए आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नोटिफिकेशन बेल पर नहीं क्लिक किया तो नोटिफिकेशन बेल पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको मैसेज के द्वारा मेरे हर नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू के 29 पदों के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आपकी आयु 25 वर्ष मिनिमम से सॉरी 21 वर्ष आप मिनिमम और 35 वर्ष मैक्सिमम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए छूट भी है। तो आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ आपको लिखा मिलेगा रिव्यू ऑफिसर हिंदी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 एंड रिव्यू ऑफिसर उर्दू रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन 2021। हाई द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर्स एट इलाहाबाद। अब इसमें ये पीडीएफ फाइल है और जिसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। मुख्य मुख्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 22 अक्टूबर 2021 को ये ऑनलाइन सबमिशंस के लिए आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वॉज सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। तो ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट हुआ है वह 22 अक्टूबर 2021 से चालू हो चुका है, 11 नवंबर 2021 तक ही चलेगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है, ये देखिए, लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस, वो आप 12 नवंबर 2021 तक भर सकते हैं। वेबसाइट आपको दी गई है http://recruitment.nta.nic.in और इलाहाबाद हाईकोर्ट.in। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे लिंक भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो चार्जेज हैं, जनरल ओबीसी के लिए 800 हैं रिव्यू ऑफिसर हिंदी, और 800 ही हैं उर्दू के लिए भी। जबकि SC ST जो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड है SC ST ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें हिंदी रिव्यू ऑफिसर के लिए 600 और सेम जो है रिव्यू ऑफिसर उर्दू के लिए ये फीस तय की गई है, जिसको आपको ऑनलाइन पे करना है। इसके अलावा आप करेक्शन कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में। अगर कोई आपने त्रुटि की है तो एप्लीकेशन में आप करेक्शन 13 नवंबर 11 नवंबर के बाद, जब लास्ट डेट आपकी कंप्लीट होती है 13 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021, इसके बीच में आपको ये टाइम मिलेगा और आप उसमें जो करेक्शन करना चाहें वो करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट की जानकारी है। यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर हिंदी की 27 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो पे स्केल है वो लेवल 8 का है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके शैक्षणिक योग्यता है, वो है स्नातक, वो भी इंग्लिश या हिंदी में, और हिंदी में सॉरी। ठीक है, इसके बाद और के बाद आप देख सकते हैं ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और ओ लेवल सर्टिफिकेट, CCC सर्टिफिकेट एंड नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड मिनिमम स्पीड टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये जो रिक्वायरमेंट है से आपके लिए रिव्यू ऑफिसर हिंदी के लिए, अब उर्दू के लिए भी सेम है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन अरेबिक लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर में। उसके बाद सेम टू सेम है डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में, या ओ लेवल सर्टिफिकेट या CCC सर्टिफिकेट। इसके अलावा डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। इसके सिर्फ दो पोस्ट हैं और लेवल 8 का ही यहाँ पे स्केल है इसके लिए भी। अब यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन के बारे में दिए हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% रिजर्वेशन है, नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिव्यू ऑफिसर 5। ठीक है, ऐसे तो शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, अदर बैकवास के लिए 27%। ठीक, अनरिजर्व के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है।
रिव्यू ऑफिसर, नंबर ऑफ पोस्ट रिव्यू ऑफिसर हिंदी, इसमें इसके लिए 15 सीटें रिजर्व हैं और उर्दू में 2। दोस्तों ये जो रिजर्व सीट आप देख रहे हो 15, ये जरूरी नहीं कि आप वो अनरिजर्व ही इस पर, इसलिए आपको परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। जो बचे हुए सीटें हैं वो अनरिजर्व के लिए हैं। अब ये देखिए ओमेन के लिए परसेंट जो रिजर्वेशन है वो 20% है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है। एक्स सर्विस मैन के लिए 5%, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3% और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1%। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये रिजर्वेशन है। डिटेल में आप जानना चाहते हो तो जिस रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आप आते हैं वो जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे वो है। इसके बाद आता है एज लिमिट। एज लिमिट में आप देखिए मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है नॉट एज ऑफ मोर नॉट मोर देन मतलब नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ मोर देन 35 ईयर्स, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डेट की जो गणना है वो 1/7/2021 के आधार पे की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बताया भी जा चुका है जो कैंडिडेट 2 जुलाई 1986 के पहले पैदा हुए हैं या जो 1 जुलाई 2000 के बाद के पैदा हुए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब रिले सेक्शन दे दीजिए, देखिए यहाँ पे 5 ईयर्स SST के लिए है, ठीक है। द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स ओनली टू द स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन, उनके लिए भी 5 ईयर्स का यहाँ पे है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स है। यहाँ पे 15 साल की छूट है जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए। तो ये एक चार्ट है यहाँ पे बना हुआ है जिसमें आप एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। नेशनैलिटी आप इसे इंडियन होनी चाहिए। ये आपका 63 पेज का ये PDF फाइल है और इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें जैसे स्टेज 1 है तो उसके अंतर्गत क्या कौन से सिलेबस में क्या आपके क्या क्या पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का यानी 180 मिनट्स का। तो ये आपके पास ये चार्ट भी दिया हुआ है, ये देखिए पार्ट बी में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, इसमें भी आप देखिए मार्क्स होंगे 50 के और 20 मिनट्स में टाइमिंग होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 25 out of 50 और ये सिलेबस है देखिए टाइपिंग है। इसके बाद स्टेज 2 का एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे, स्टेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन, इसमें मेंस ट्रांसलेशन टेस्ट है फॉर रिव्यू ऑफिसर हिंदी के लिए पार्ट 1 पार्ट 2। अभी आपको डिटेल में जानना है तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक एक यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आपके पास एक 63 पेज की PDF है, जो मुख्य जानकारी वो मैंने आपको बता दी है और बाकी आप इसमें देख सकते हैं। जो मेन चीज़ है वो ये कि आपकी एज, आपका क्वालिफिकेशन और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑनलाइन पेमेंट के आप किससे करना चाहते हैं ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये सबसे मुख्य होता है जो आप फोटो साइज अपलोड करते हैं ना वो कितने KB के आपके पास होना चाहिए। आप पेन ड्राइव में उतने ही KB के फोटोग्राफ लेफ्ट हम इम्प्रेशन और सिग्नेचर रखे रहें जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। यहाँ देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, टेंथ सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB, ये आपको अपलोड करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पेन ड्राइव में होने चाहिए तभी आप इसे अपलोड कर पाओगे। तो ये डिटेल है और इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट है, ये देखिए stateservice.nic.in, इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट फॉर बी ऑफिसर्स इन उर्दू 2001, ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे
न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके आधार पे आप यहाँ पे फिल करते रहिए। देखिए यहाँ पे पहले बता चुका है 800 जनरल OBC के लिए, 600 आपका SC ST के लिए है। यहाँ पे पहले से आपको जानकारी दे दी गई, जो ब्रीफ जानकारी आपको जरूरत ये है वो यहाँ पे दे दिया गया। देखिए पासवर्ड है मस्ट 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होने चाहिए। कैसा पासवर्ड होना चाहिए, 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 न्यूमेरिक और 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप इसमें अप्लाई करें तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ आप ज़रूर ले लें। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्कैन फोटोग्राफ के JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन 10 KB से 200 KB के बीच में, और स्कैन सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई कि जो आपको कॉपी स्कैन करेंगे वो कितने की होंगी, ठीक है। पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और या नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड जरूर अपने पास रखें, ठीक है। पासवर्ड आप वैसे ही डालें जैसे यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्नॉलेजमेंट, यानी यहाँ पे आप क्लिक करोगे कि आपने इसको रीड कर लिया, पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आपके पास है क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। ये फॉर्म आ जाएगा आपके पास। फॉर्म आपको देखिए 4 स्टेप में पूरे हो रहे हैं। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, फिर अप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, लास्ट में आपका फ़ी पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये और जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करें तो लास्ट में जो सेव का ऑप्शन आता है तो उसे आप डाउनलोड कर लें अपने फॉर्म को, ताकि फ्यूचर में आपको जो अप्लीकेशन नंबर या प्रोवाइड किया जाता है या कोई अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे जो है जो भी आपके पास डाउनलोड है उसे शो करके आप कोई भी मदद ले सकते हो। तो ये आपके पास वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे बता दिया है। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, लाभ उठा सकेंगे। जल्द ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। और अपने इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, अगर चैनल में पहली बार आप शामिल हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे जितने भी वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।